हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम क्लिक। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जॉब नोटिफिकेशन में हेल्थ डिपार्टमेंट से मध्य प्रदेश का रिक्रूटमेंट, जिसमें कि 3570 वैकेंसी आया है, 3570 सब पोस्ट आया हुआ है। और दूसरा रिक्रूटमेंट है कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान जयपुर। तो दोनों फील्ड बिल्कुल अलग से है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें आईटीआई का रिक्वायरमेंट है और इसमें जनरली हेल्थ डिपार्टमेंट से, अगर हेल्थ का नर्सिंग वगैरह कुछ किए हैं तो उनके उनके लिए ये है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। देखिए, पहला हमारा नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सिंग इन आयुर्वेदिक पर्सनल्स, इसमें टोटल रिक्रूटमेंट 3570 पोस्ट है। तो देख लेते हैं किन किन के लिए है। तो ये इसमें देख लेते हैं किस तरह के रिक्रूटमेंट है। तो पहला देखिए, ये है 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग, मतलब कि 6 महीने की ट्रेनिंग कराई जाएगी इसमें, जिसकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक होना चाहिए बीएससी का नर्सिंग में, और जीएनएम बीएएमएस ये होना चाहिए पहले पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए। दूसरा है कि फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोजिशन ऑफ सीएचओ, तो सीएचओ का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी चल रही है, जिसके लिए अगर आप बीएससी नर्सिंग में नर्सिंग है विद इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच जिसको कहते हैं, या दूसरा है पोस्ट बेसिक बीएससी अगर नर्सिंग में है विद इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच, अगर सर्टिफिकेट है आपके पास बीएससी नर्सिंग के साथ तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सीसीएच पोस्ट है टोटल 1680 के है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो हो रहा है 1890 पोस्ट के लिए हो रहा है। टोटल 3570 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट चल रही है। इसमें एज क्राइटेरिया देख लीजिए, तो 21 से 40 साल का एज क्राइटेरिया दे रखा है। और अगर सैलरी की बात करें तो देखिए, सीएचओ पोस्ट के लिए 25,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी, प्लस 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंटेंसिव भी दी जाएगी। और इसका दूसरा कंडीशन देखिए क्या है कि सीएचओ पोस्ट में ज्वाइनिंग से पहले एक 2 लाख रुपए का बॉन्ड बनवाना पड़ेगा कैंडिडेट को, 500 रुपए का स्टम्प पेपर पे, और ये सबमिट करना पड़ेगा आपको ज्वाइनिंग से पहले। ठीक है, और इसकी हम बात कर ले तो कब से कब तक अप्लाई होगी, तो देखिए 2 फरवरी 2020 से लेकर फरवरी 17 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और इसमें कोई फी नहीं रखी गई है। तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देखिए। दूसरा, नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो दूसरा हमारे पास कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान जयपुर। इसका एक्चुअली देखिए, इस पीडीएफ में कुछ इस तरह से पोस्ट दी गई है, तो यहाँ पे छोटी छोटी मतलब एक दो पोस्ट करके काफी लंबा पीडीएफ हो जा रहा है, तो ये मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। बाकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका शॉर्ट में कुछ हम बता देते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे दी गई है, इसका अप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 29/1/2021 से, और लास्ट डेट है इसका 26 फरवरी पे, और एग्जाम फी पेमेंट का लास्ट डेट है 26 फरवरी। उसके बाद देख लीजिए, जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए 1200 इसका फी रखी गई है, और राजस्थान वालों के लिए 600 रुपये फी रखी गई है। मतलब राजस्थान के अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हैं तो 600 रुपये लगेगा, अगर आप राजस्थान से हैं या जनरल से हैं या फिर अदर स्टेट से है तो आपको 1200 रुपये इसकी फी देनी होगी। और अगर एज की बात कर लेते हैं तो 18 साल इसकी एज है, और मैक्सिमम एज 40 साल है, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर रूल रहेगी। और इसमें डिफरेंट टाइप की पोस्ट दी गई है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ये सब आप डिफरेंट टाइप का पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो देखिए, प्लांट ऑपरेटर के लिए 77 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 23 है, आपके सामने ये है बिल्कुल आप देख सकते हैं। और अगर एलिजिबिलिटी की बात कर लिया जाए तो इस पोस्ट में आपको अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। और अगर इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो आईटीआई इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह से आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड का आपको फिर अदर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो अगर आप 12th दे रखे हैं तो 12th+3 साल का एक्सपीरियंस, फिर देखिए 12th+3 साल का एक्सपीरियंस कुछ ऐसे पोस्ट है उनके लिए। और कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें कि बैचलर डिग्री भी मांग ली गई है, मास्टर डिग्री अगर इंजीनियरिंग है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं विथ एक्सपीरियंस। और अगर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से किए हैं तब भी आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जैसे डेयरी टेक्नीशियन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर जो है, इसमें 20 वैकेंसी, अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर आईटीआई में 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए www.examclick.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको जितना भी क्यूजेज इस वेबसाइट पे मिलेगा सारे के सारे क्यूजेज आपको फ्री मिलेगा, तो क्यूजेज बिल्कुल एंजॉय करिए। और जितने भी टेस्ट सीरीज है उन सभी का आपको डेमो टेस्ट भी मिल जाएगा, किसी का 2 डेमो टेस्ट भी मिल जाएगा, किसी का 3 भी मिल सकता है, तो आप बिल्कुल डेमो टेस्ट भी दीजिए। और
फिर इसमें अगर आपको सही लगता है, आपको डेमो टेस्ट पसंद आता है, तो आप परचेज कर सकते हैं। बस 29 रुपीज़ में 1 महीने भर का सेट है, और 49 रुपीज़ में 6 मंथ का टेस्ट है, और 99 रुपया में 1 साल का टेस्ट है। तो आप विजिट करके देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।